विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी रवैये के चलते कुसमोदान के रहवासी हो रहे खासे परेशान, जिसके चलते आज वे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भास्कर लक्षाकार से गुहार लगाने पहुंचे कि उनकी सुनवाई जल्द की जाए। महिलाओं के अनुसार जब उनके यहाँ पर विद्युत कनेक्शन लगाए गए थे तो उन्हें बताया गया था कि बिल 200 और 300 रुपए आएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। महिलाओं का आरोप है कि बिजली के बिल 1200 से लेकर 3000 रुपए तक आ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं का कहना यह है कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति पहले ही इतनी खराब है, इसके चलते इतना बिल हम कैसे जमा कराएं। वहीं महिलाओं के साथ किया जा रहा है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ठगी, इस तरह के आरोप भी महिलाओं ने लगाए हैं, जिसका एक उदाहरण आज दिया गया। कर्मचारी ज्यादा पैसे लेकर कम शुल्क की रसीद बना रहे हैं। वहीं मजे की बात तो यह है कि जिस महिला का बिल 2500 रुपए का है, उसे रसीद महज 1206 रुपए की बनाई गई। देखने लायक होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से इन महिलाओं के लगाए गए आरोपों की जांच कर पाता है। वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि क्या वाकई में जांच होगी या महज इनके आवेदनों को लेकर कचरे दान में डाल दिया जाएगा। क्या क्या चलाते हैं आप? क्या क्या चलाते हैं बिजली? क्या क्या चला चलाते? पंखा कूलर चलते हैं बस, दोनों दो बल्ब चलते हैं। पहले कितना आता था? पहले कोई थे ही नहीं, अभी मीटर लाइट की कैसी? एक पंखा चल रहा है, एक बल्ब चल रहा है, तेरह दे रहा था। कितने पैसे हैं? 1300 1670 रुपए जमा किए थे। और रसीद में कितने लिख दिए उन्होंने? तो पढ़े लिखे नहीं है, 1206 रुपए।